तेरा किता जातो नहीं मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं आपे तरस पयोई आपे तरस पयोई नाम दियां बढ़ियां सब तेरे नाम दियां 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 नाम दियां बढ़ियां नाम दियां बढ़ियां नाम दियां बढ़ियां नाम दियां बढ़ियां नाम दियां नाम दिया बढ़ियां 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 सब तेरे नाम दिया नाम दियां बढ़ियां सब तेरे नाम दियां 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 सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विच हो जाए वाहिगुरु 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 वाहे गुरु कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहे आ जाए वाहे गुरु एक जो साधु मोहे मिले हो दिन लिया अंचल लाए संतन मोको पूंजी संपी तौतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहाँ करे गो
जो फटियो सगलो लेखा रब दा दूजा रूप साधु हुंदे ने 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 मार जमा वाली चली नहीं सी जानी बचाया सानू साधुआं ने मार जमा वाली चली नहीं सी जानी बचाया सानू साधुआं ने मार जमा वाली चली नहीं सी जानी बचाया सानू साधुआं ने मार जमा वाली चली नहीं सी जानी बचाया मार जमा वाली चली नहीं सी जानी बचाया सानू साधुआने मार जमा वाली चली नहीं सी जानी बचाया सानू साधुआने अंतर जामी पुरख बदाते सरदा मन की दास ये है सुख मांगे कर संतन की तूरे परम सम्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के सतगुरु जी नूं सीह झुका के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बड़ी रहमत कीती जिला बठिंडे दा नगर सूरे वाला जिथे कि बहुत ही सत्कार योग बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज जिन्हां ने इस नगर दे विच चरण पाए गुरु नानक देव महाराज जगत गुरु उन्हां दे सपुत्र धन धन बाबा श्री चंद्र जी महाराज उन्हां दी यादगार नूं कायम कीता धूना प्रचंड कीता और बाबा जी दी बाबा लक्ष्मण दास जी दी याद विच हर साल नौजवान वीर भैणा बजुर्ग बच्चे बच्चियां मातावां वल्लों रल मिल करके समुचे नगर वल्लों ये महान धर्म कार्ज कीता जांदा है जिस विच तीन दिन तो रब्बी बाणी दे प्रवाह चले और नाल नाल धार्मिक समागम शुरू होए ने जिस विच आपां गुरबाणी गुर इतिहास गुरु की विचार सांझी करांगे
जिन्ना क समा सतगुर कृपा करते है बड़े प्यार अदब सत्कार नाल बैठ करके आप हाजरी भरनी है। कोशिश करियो इस समय का भी पूरा पूरा लाहा लईए। ये शब्द का लंगर है और उधर गुरु का लंगर तरह तरह के पकवान मठियाइयां आदि चल रही हैं, वो भी छको। तो इस दे नाल नाल जो नौजवानों की जवानी नू बरकरार रखण वास्ते टूरनामेंट आदि हुंदे ने, उन्हां दा भी आनंद माणो। ये सारी कृपा बख्शिश तां हुंदी है गुरमुखो जदों सतगुरु दया करदे है। गुरबाणी विच महाराज ने बचन कीता है सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणी है। कहिंदे जे सतगुर दया होवे कृपा होवे मालक दी तां संसार दे रंग भी माने जांदे है, धर्म कारज भी हो जांदा। ये सारा कुछ मालक दी रहमत नाल आपां नूं समा मिलिया गुरमुख। बहुत होर भी नगर होणगे जिन्हां ने गुरमुख प्यारे गुरुआं दे वचन नहीं कमाए, मारी पै गए जिवें आ नाल ही मल्लण पिंड पैंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए जदों सतगुर कहिंदे इत्थों दी लंघण लगे ते मगर मुगल फौज भी आ रही सी ते पातशाह उत्थे कम करन वाले किसी कामे नू वेखदे है ते महाराज ने उन्हू कहता भी असी कुछ समा इत्थे छुपदे हाँ, तू दसी ना मगल मुगल फौज आ रही है। वो तो किथे रहा जाना सी, गुरु साहब नू तां कहता भी ठीक है जी नहीं दसदा, पर जदों ही मुगल फौज लंघन लगी तो उन्होंने पूछ लिया भी इधर गुरु गोबिंद सिंह जा उन्हों का कोई सिख तो नहीं वेख्या, दस बैठा गुरमुख। कहिंदा हाँ इधर नू गए है मैं वेखे ने। तो सच्चे पातशाह बाद विच कहिंदे तैनू कदा फरेवा होया सी तैथों चुप नहीं रहा गया, दस बैठा अज तक भी उस कोल विच हुण तक भी अफर के मरदे आ। आखो सतनाम। इधर जिहड़े सेवक आ गए श्री मुक्तसर साहब आके देखो बेदावी ये सिख भी महाराज तो मुक्ति लै गए। जिहड़े किसे समय कह गए सी तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं हाँ, वो भी मुक्ति लै गए गुरमुख। पर जिहड़े वचन नहीं कमा सके वो खाली रह गए गुरमुख। ते हुण आपां भी इत्थों सिख्या लैनी है कुछ। जदों भी किते गुरु महाराज का दर्शन करिए, साधु संत महात्मा के दर ते जाइए तो उत्थों गुरमुख प्यारे खुशियां दे बचन लैने हुंदे आ। आखो सतनाम। इह ना होवे आइए भी गुरु पीरां दा दर्शन सतपुरखां दा दर्शन करिए, किते कर्म उहे जे कर लीए मारी पै जे गुरमुख। सो संगत विच आए हो जिन्ना क समा सतगुर कृपा करदे आ प्यार सत्कार नाल बैठ के आपां हाजरी भरनी है, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करनी है गुरमुख। बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज जिन्हां दी पावन याद विच आपां जुड़े हाँ, एक महान तपस्वी रूह होए ने गुरमुख, जिन्हां ने सारी जिंदगी उस अकाल पुरख वाहिगुरु का भजन पाठ किया। इस नगर विच आए तो उन्हां दी याद आपां मनाउने आ। बाबा श्री चंद्र जी महाराज दे शरदा रखदे सी, देखो धर्म सब सत्कार योग ने। अकाल पुरख ने जदों आ सृष्टि साजी कई तरह के रंग पैदा किए गुरु, पंछियों के रंग आकार, पहाड़ां नूं बनाया है, रुख बनाए, अड्डो अड्डी फल लाते, धरती तो इको ही है, उस चो ही मिर्चा पैदा हो ही जांदियां, उस चो ही गन्ना पैदा हो ही जांदा गुरु, उस धरती दे विचों ही
ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋ ਬੋ ਬੋ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਤ, ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤ ਭੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਈ ਵਿਖਾਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਵ ਇਹ ਮਾਨੁਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧਰਮ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਾ,
जे लेखा देना पैना तो कोई गल नहीं, मैं अज ही लेखा दे आना। कहिंदे नाल अपने घर वाली ते नाल अपने पुत्र धर्मचंद नूं लै लिया, सन घोड़े आकाश वल उड गए गुरु। ते बाबा श्री चंद्र जी महाराज कहिंदे जे तुसी तिन्ने जाने सन दे सचखंड जाऊंगे, मेरा तां विआह शादी नहीं होया, फिर अपनी कुल किवें चलूगी? आ जिहड़ा तुहाडा पुत्र है धर्मचंद, इहनूं छड्ड जो। ते लक्ष्मी दास जी कहिंदे हुण मैं वापस नहीं मुड़ना, जे कुल चलाउण दा इन्ना ही फिक्र है फिर तुसी कोई अपनी कला बरताओ, हुण मैं पिछे नहीं मुड़ना। ते बाबा श्री चंद्र जी महाराज ने फिर अपनी बाह लंबी करके आकाश विच उड़े जांदे। श्री चंद्र महाराज जी ने आकाश विच उड़े जांदे, लक्ष्मी दास उन्हां दे सपुत्र धर्मचंद नूं ला लिया गुरु घोड़े तों। बालक रोवे ते वी इतिहास विच दस्सिया पैर दे अंगूठा चुंगा चुंगा के पालिया सी गुरु। पंज वड्डे स्थान बाबा श्री चंद्र जी ने धर्म केंद्र बनाए गुरमुखो, जिथों प्रचार हो सके, ते उन्हां विचों एक महान केंद्र है बारठ नगर, गुरदासपुर जिले च पैंदा है। गुरदासपुर तो गुरमुख प्यारे 35 किलोमीटर है, तो पठानकोट तो जाइए तो 11 किलोमीटर बारठ नगर। उत्थे एक दिन चलते चलते बाबा श्री चंद्र जी महाराज आ गए, नाल गुरु नानक जी का पोतरा श्री चंद्र जी का भतीजा धर्मचंद भी है, बाबा कमलिया जी ते होर भी सेवक नाल। हुण जिहड़े सेवक सी उह तां चले गए, बाबा कमलिया जी ते बाबा श्री चंद्र जी ते इन्हां दा भतीजा धर्मचंद तिन्ने बैठे। ते उत्थे एक योगी रहिंदा सी, उहने विच भी शक्ति बहुत सी, ते उह अपने सेवक नूं कहिंदा इत्थे गुरु नानक जी दे सपुत्र आए आ वड्डे श्री चंद, सुनिया भी उन्हां च शक्ति बहुत है, ऐ कर उन्हां नूं आ इक अंब दे आ कहिंदा, ते नाल ही बेनती करदी भी साडे वल्लों सत्कार है। ते सेवक सी जिहड़ा उस योगी दा, उह इक अंब लै के गया। बाबा श्री चंद्र जी नूं अंब भेटा करके कहिंदा जी इह साडे महात्मा वल्लों भेटा है, स्वीकार कर लो। ते बाबा श्री चंद्र जी समझ गए भी यह सत्कार नहीं करता, अंदरों तो यह औखा हो गया। आखो सतनाम, क्योंकि मन विच उहदे चल पिया सी भी इत्थे श्री चंद्र आ गया हुण मेरी पूजा घट जूगी, दिलों नहीं सी चाहुंदा। ते बाबा श्री चंद्र जी कहिंदे कहिंदे सेवक नूं कहिंदे भी अपने गुरु नूं कह भी असीं तां तिन जाणे आ, अंब सानू तां इक भेजिआ, इहदे नां तां सरना नहीं, सानू अंब होर भेजो, यह लै जा वापस, वापस मोड़ता भी जा तां तिन दिओ नहीं यह भी लै जा। ते जिहड़ा उस योगी दा सेवक सी उह अंब लै गया वापस गुरमुख, जाके अपने गुरु नूं उवीं दसता भी जिहड़ा बाबा साध नवा आया है उह तां कहिंदा भी असीं तिन जाणे आ, सानू जा तां तिन अंब दिओ नहीं आ भी लै लो अपना। ते उह साधु पहले ही अंदरों गुस्से च सी, हुण होर गुस्सा हो गया, आपदे चेले नूं कहिंदा जा बार वापस जा। उह नवें आए नूं कहदे श्री चंद नूं कि साथों तां इक्को ही सरदा सी, जे वाली लोड़ है आपदे बीज ला। ते चेले ने आके उवीं दसता गुरमुख, इह बारठ नगर दा इतिहास है, जाके अज वेख लिओ। जदों चेले ने आके श्री चंद्र जी नूं कहता भी मेरा गुरु कहिंदा असीं तां इक्को ही अंब दे सकदे आ, ज्यादे लोड है ते आपदे बीज लो। बाबा श्री चंद्र जी कहिंदे चल कोई गल नहीं इधर आ, कहिंदे आ अंब असीं नचोड़ता, नचोड़ के ना गड़ विच पा लिया गुरु, कहिंदे इहदा छिट्टा दे आ। हुण खुल्ला इलाका सी उदों, आ मालकीयत नहीं सी हुंदी, हुण तां पता है ना भी आह जगह फलाने दी आ फलाने दी,
अपने इलाके च भी टिब्बे ही होंगे, उधर भी गुरमुख राजिया का कब्जा हों, अपनी मर्जी न जी तो खुश होंगे, थोड़ी बहुत ही जागीर दे देंगे, कि फसल होंदिया सी। तो श्री चंद्र जी महाराज ने अंब नचोड़ के देता सेवक नूं, कहिंदे आए घर इहदा छिट्टा दे आ, कई किलिया च उहने छिट्टा देता, बच गई गुठली, अंब की गुठली विचली बीज जिहड़ा हुंदा उह बाबा श्री चंद्र जी ने धूने जी दब लिया, क्योंकि धूना लाया सी जाके। तो जदों सवेर नूं संगत आई, जिथे जिथे गुरमुखो वह अंब नचोड़ के छिट्टा दिता सी, बड़े बड़े अंबा दे रुख वह भी फलां नाल लद्दे पए। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ऐसी खेड वरती गुरमुखो। ते जेड़ी गुटली धूने च दबी सी वह भी हरी हो गई, ते हुण भी वह हैगा रुख, उस रुख नूं 12 महीने 30 दिन अंब लगी जांदे आ, हजे भी हैगा। ये बाबा श्री चंद्र महाराज की बरताई हुई कला वेख के जेड़ा वो योगी सी फिर समझिया, कहिंदा ये तो कोई मैथों भी वड्डा आ गया, आखो सतनाम। इत्थे ही गुरमुख प्यारे बादशाह जहांगीर भी मिलन आया सी बाबा श्री चंद्र जी, कोई माड़ी मोटी शक्ति नहीं, ठीक है अज साडे पंथ विच होमै वध गई, असी एक दूजे के गुण वेखण की बजाय निंदा करन ते तुर पे, गुरमुख निंदिया चो की लभांगे आपां। ते महाराज तां कहिंदे अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे आ, कौन भले को मंदे। कहिंदे इको ही नूर तो सारा जग पैदा होया, जिन्नी क किसे नूं ताकत मालक ने दिती आ उन्नी को गल कर लैंदा। हुण जिहड़े बंदे तुहाडे चों कदे बठिंडा नहीं टप्पे, वह लुधियाणे बारे की दसणगे गुरु, कई दिल्ली जाए उत्थों दीआं गल्लां दसणगे, कई दिल्ली तो भी जहाजा ते चढ़ के विदेशों च वागे वो उतों दियां गल्लां दसणगे। तो जिन्नी कि किसी की पहुँच है अगले ने उन्नी कि गल करनी है सारे ठीक गुरमुख। पर अगे तो जे कोई आप तो सियाणा मिले वो तो गुण लै लईदा हुंदा गुरमुख। हुण बाबा श्री चंद्र जी महाराज ने बारठ नगर जान सारे कला बरताई, इलाके विच चर्चा हो गई, कहिंदे कोई पूजनीक महात्मा आ गए। उत्थे फिर बाबा श्री चंद्र जी ने बहुत लंबा समा, आए कह लो जिंदगी दा ज़्यादा समा उत्थे बतीत कीता गुरमुख। जप तप सेवा सिमरन चल पिया, संगतां आया करन, दर्शन करिया करन, ते महाराज दे बचना नाल दुखियां दे दुख दूर हुंदे रहे गुरमुख। जेड़ा भी दर्शन करदा सी तो फिर बचन यही कहिंदा हुंदा सी कि हे परमात्मा एह जे प्यारियां दा मेला वार वार कराई, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। लो तुसी भी बोलियो सारी संगत, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिली ओना प्यारियां नू। दाता जी मिली ओना प्यारियानू, 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 दाता जी मिली ओना प्यारियानू।
करनी कहे दाता उन्हां दा मेल कराई जिन्हां दे मिलन करके तेरा नाम चेतावे क्यों भला क्योंकि इस युग में है सोभा नाम की बिन नावे सोभ ना होए इस संसार विच सोभा नाम जपन वालियां दी है इस करके भाई जे आए हो तो पल्ले बन के जायो असी भजन जरूर करना सेवा करनी है गल कर रहे हैं बाबा श्री चंद्र जी महाराज की बारठ नगर महाराज रेंदे ते उत्थे गुरु अमरदास तीसरे पातशाह भी उन्हां नूं मिलन गए गुरु ते चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज अमृतसर विच संगतां नूं तार दे बाबा श्री चंद्र जी महाराज एक दिन अपने सेवक कमलीए नूं कहिंदे आपां वेखण चलना है कि गुरु घर की मर्यादा कायम है जां टुट गई बाबा कमलिया जी कहिंदे आ जाओ महाराज कोई शंका नहीं सी सिख ते गुरु दा वड्डी रिश्ता गल यही हुंदी है गुरु बचन करे ते सेवक मन्ने गुरु सवाल नहीं होना चाहिए बाबा कमलिया जी ने बाबा श्री चंद्र जी नूं मोढ़िया ते चढ़ा लिया गुरु बारठ तो चल के अमृतसर वल नूं आ रहे है ते नाले विचारा करदे आउंदे आ बाबा श्री चंद्र जी कहिंदे साढ़े पिता ने जिहड़ा सिख धर्म प्रचलित कीता है ना इहदी मर्यादा यह है कि जिन सेवया तिन पाया मान जिहड़े भी शरदा नाल सेवा करन उहनां नूं दाता मिलदियां मान प्राप्त हुंदा है ते उस वेले बाबा कमलिया जी कहिंदे गल तां सही है महाराज ते बाबा श्री चंद जी कहिंदे कहिंदे मैं भी अपने गुरु पिता के बचना ते शंका कर लैंदा सी पर भाई लैणा शरदा नाल सेवा करदा रहा गुरता गद्दी साडे पिता ने उहनूं दित्ती क्योंकि निम्रता सी ते असी वेखण जाणा है हुण भी निम्रता हैगी है जां नहीं आ गए अमृतसर ते इधर गुरु रामदास जी नूं पता लग गया गुरमुख आप मूहरे गए सत्कार नाल लैण वास्ते बाबा श्री चंद्र जी हुण श्री चंद जी परखण आए सी आगे नाल बड़ा सत्कार कीता एक दूजे दा ते गुरु रामदास जिस पलंग ते आप सजदे हुंदे ना उस पलंग ते बाबा श्री चंद जी नूं बिठाया गुरु ते आप हेठां बह गए बाबा श्री चंद जी चौकड़ा ला के नहीं बैठे चरण हेठां लमका के बह गए क्योंकि आई परखण सी ते इधर गुरु रामदास महाराज हेठां बैठे जिधर बाबा श्री चंद जी दे चरण लमकदे सी गुरु बचन बिलास तां बहुत होए बाबा श्री चंद जी ने पुछ लिया कहिंदे पुरखा ये दस इन्ना लंबा दाड़ा क्यों वधाया भला इहदा की फायदा तैनू ते गुरु रामदास महाराज गुस्से नहीं होए अपने अर्गा हुंदा गाली पै जांदा भी जे तेरे है नहीं फिर मेरे वाली ते कातों लगदा ताही आपां नूं पुछदा कोई नहीं गुरु दसां पातशाहियां तो लंबा ते सोहना दाड़ा सी गुरु रामदास जी दा श्री चंद्र जी बाल जती दाड़ा है ही नहीं सी कहिंदे दस इन्ना लंबा क्यों वधाया ते गुरु रामदास महाराज ने एक हथ नाल अपना दाड़ा फड़िया दूजे नाल बाबा श्री चंद्र जी दे चरण फड़ के पूंजन लग गए कहिंदे जी थोड़े वर्गियां दे चरण पूंजन नूं वधाया आखो सतनाम हे गुरु इन्नी निम्रता गुरमुख ते उस वेले एक घोड़ा ते 500 रुपया बाबा श्री चंद्र जी दा गुरु रामदास जी ने सत्कार कीता गुरु ते बाबा श्री चंद्र जी महाराज कहिंदे यही निम्रता करके भाई लैणा साढ़े पिता तो संसार दियां सब बरकतां लै गया ते जो साढ़े कोल सी असी भी थोड़ी झोली पा के जाना है आखो सतनाम इन्ना सत्कार सी जे किते यह सत्कार सिखो आपां करना सीख लीए एक दूजे का आ फिर लड़ाइया झगड़े का तो होण असी वेखदे आ घाटा उगण नहीं देखदे गुरु ते अपने वल असी वेख्या कदे दूजे तीजे का तो बहुत पता है आ दाड़े तो मेरे गल याद आ गई गुस्सा तो तुसी करियो ना पर एक बेनती है मैं भी थोड़े विचों ही हाँ देखो हर पशु पंछी दे
वाल हैगे केस हैगे। भेड़ नूं वी जे मुन्नीए ना दो तीन जाने फड़ के फिर मुन्नी जांदी। घरां च तुसीं जिमीदार बैठे हो छेती छेती तक कट्टी नहीं वालां नूं कैंची लवाउंदी, उहनूं बन्न के रखना पैंदा है। ते आपां आप ही जा कतल कराउने आ गुरु। इहदा बहुत वड्डा महत्व है। मेरी बेनती है जिहड़े सिख परिवारां च पैदा होए हो खास करके तुहानूं केस दाड़ियां नूं कतल ना कराया करो गुरु, ये जरूरी है। कोशिश करो इन्हां नूं संभालिया जावे। ये गुरु की मोहर ने केस गुरमुख, इन्हां दा सत्कार करना है जरूर। जे आउने हो तां कुछ लाहा खट के संगत विच्चों जाना है भाई। आपां केसां दी कदे बेअदबी नहीं करनी। गुरु महाराज जी ने पंज तख्त बनाए, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, तां सब तो पहला जिहड़ा तख्त सी तख्त श्री केसगढ़ साहिब केसां दे नाम ते बनाया गुरु। इहनूं संभालना है आपां विरसा। हुण इत्थे गुरु रामदास महाराज कहिंदे बाबा जी तुहाडे वर्गियां दे चरण पूंजन नूं दाड़ा वधाया वी श्री चंद्र जी महाराज बड़े खुश होए। चलो सत्कार सी। उन्हां तों बाद फिर पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज मिलन चले गए गुरमुखो बारठ नगर। ते बाबा श्री चंद्र जी नूं जदों पता लग्गिया गुरु अर्जन देव साहब आए है, देखिया भी देखता लईए निम्रता किन्नी कै। पंज छे महीने बाबा श्री चंद्र जी समाधि ला के बैठे रहे। आखो सतनाम। अपने सेवक कमलीए नूं कहता भी जे गुरु अर्जन देव आउण तुसीं कह दिया करो भी बाबा जी तां समाधि लगी है। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे जिन्ना चिर वड्डे गुरु नानक पातशाह दे सपुत्तर श्री चंद जी दे दर्शन नहीं ना करदे असीं वापस नहीं जाणा। पंज महीने गुरु अर्जन देव महाराज बारठ नगर रहे। गुरु जायो किते दर्शन करियो। गुरुद्वारा साहब बनिया होया गुरु अर्जन देव महाराज जी याद विच पातशाही पंजवीं ओ थम अज तक भी गवाही भरदे आ जिस जगह गुरु अर्जन देव बैठ के उडीक करदे रहिंदे। आखो सतनाम। वाहेगुरु। ते प्यारेओ गुरु अर्जन देव जी तो बाद विच श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ग्वालियर दे किले तो जदों रिहा हो के आए सी ना अमृतसर बाद च, उदों बाद दा इतिहास है। महाराज जी दे पंज सपुत्र पैदा होए, एक धी बीबी वीरो गुरु। सब तो वड्डे सपुत्र दा नां सी बाबा गुरदित्ता जी, जिहनूं कहिंदे आ ना बाबा गुरदित्ता। दीन दुनी दा टिक्का जो वर मंगिया सो वर दित्ता। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਰਠ ਨਗਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਪੈ ਜੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਹੈ ਰੰਗ ਰੋਵ ਹੈ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਡੀਕ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ
नहीं परवा दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवा दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवा दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवा दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवा दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवा दुनिया दी कर दे सच्चे प्रेमी ने नहीं परवाह दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवाह दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवाह दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवाह दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवा दुनिया दी कर दे जेड़े सच्चे प्रेमी ने नहीं परवा दुनिया दी कर दे उस वेले गुरमुख प्यारे हो धन धन बाबा श्री चंद्र जी महाराज समाधि ला के बैठे ते उस वेले पंज छे महीने फेर ना गल कीती इधरों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज परिवार नूं कहिंदे भाई हुण ऐ करो बाबा श्री चंद्र जी की समाधि लगी हुई है जिन्ना चिर वो महापुरश आपां नूं बुलाउंदे नहीं आपां उन्ना चिर जाना नहीं वापस भी नहीं जाना ते सेवा करो आखो सतनाम कोई होमे नहीं भी असीं गुरू हाँ तख्तां ताजां दे मालक ते आपां नूं जे आया नूं कोई जी आया ना कहे रुसी जाने भी कदर तां है नहीं पर सच्ची गल ये है किसी भी धर्म स्थान पर जाओ उत्थे सत्कार कराउन वास्ते ना जाया करो गुरु महाराज और गुरु की संगत का सत्कार करन जाईदा हुंदा आखो सतनाम जे कुछ लाहा खटना है ते जे अपनी होमे च ही रहना फिर थोड़ी मर्जी है बड़ी दुनिया इत्थे आई बड़ी चली गई गुरमुख निम्रता वाले लाहा खट गए हुण छेवें पातशाह कहिंदे अपने परिवार नूं घर वालियां नूं नाले सपुत्रां नूं कहिंदे सेवा करो उत्थे ही झाड़ू लाउणा उत्थे आई गई संगत नूं लंगर तैयार कर करके छकाउणा जूठे बर्तन साफ करने पंज महीने फेर लंघे गुरु ते पंज महीनियां बाद छेवें पातशाह नूं बाबा श्री चंद्र जी मिले बड़े खुश होए गुरु बचन बिलास होए गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पूछे बाबा श्री चंद जी ने कहंदे गुरु हरगोबिंद साहब जी इन्ना परिवार वधाया है कादे वास्ते छेवें पातशाह कहंदे जी देश कौम दे भले और सेवा वास्ते किन्ने सुपुत्र है कहंदे जी तुहाडी कृपा नाल पंज पुत्रों ने ते बाबा श्री चंद्र जी कहंदे पंजे आप दे सुख लई रखे है कि कोई साडे जोगा भी हैगा ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे बाबा जी तुहाडियां ही दातां है थोड़ी मौज है जेड़ा थोनू पसंद आउंदा दस दिओ तुहाडा ते उस वेले बाबा श्री चंद्र जी महाराज ने पंजां वल तकिया बाबा गुरदित्ता जी अनी राय जी सूरजमल जी ते बाबा अटल जी ते गुरु तेग बहादुर महाराज पंजा वल तक के कहंदे आ जेड़ा बाबा गुरदित्ता है ना थोड़ा सपुत्र गुरदित्ता एदा चेहरा मोहरा मेरे पिता गुरु नानक पातशाह नाल रलदा मिलदा कहंदे आ जदों तुसीं जाने हो ना कीरतपुर साहब साईं बुढ़न शाह कोले भी पहला बाबा गुरदित्ता जी भी गए सी
ते बाबा गुरदित्ता जी नू वेख के अई भुलेखा पिया सी भी ये गुरु नानक पातशाह ही आ गए। जदों पहले जामे च कहा सी ना भी छेवें जामे दुध छकांगे, छेवें पातशाह तां बाद च गए, पहला बाबा गुरदित्ता जी उत्थे गए सी गुरु। चलो गल होर पासे ना चली जावे, ख्याल रखना। छेवें पातशाह नू बाबा श्री चंद्र जी कहिंदे आ जिहड़ा तुहाडा सपुत्र है गुरदित्ता, इहदा चेहरा मोहरा गुरु नानक साहिब नाल मिलदा, ये सानू दे दो। ते छेवें पातशाह कहिंदे ठीक है जी, अज तो ही तुहाडा। फिर नाम पिया सी बाबा गुरदित्ता, दीन दुनी दा टिक्का, जो वर मंगिया सो वर दित्ता। ये उदों गल प्रचलित हुई। हुण बाबा गुरदित्ता जी बाबा श्री चंद्र जी नूं भेटा करते, उत्थों फिर गुरमुख प्यारे श्री चंद्र तो बाद गुरता गद्दी पहली बारी बाबा गुरदित्ता जी नूं मिली सी। आखो सतनाम। वाहेगुरू। जिवें सिख धर्म की गुरता गद्दी गुरु नानक पातशाह नूं तां धुरदरगाह तो मिली हुई सी, ते दूजे नंबर ते गुरु अंगद देव महाराज नूं पहली बारी गुरता गद्दी मिली सी। इसे तरह बाबा श्री चंद्र जी महाराज ने उदासी पंथ प्रचलित किया, और उन्हां तों बाद बाबा गुरदित्ता जी ने इस सेवा नूं संभालिया। ये छे महीने जिहड़ी सेवा होई सी ना, इसे दा ही फल सी। गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने परिवार को कहा सी भी गुरता गद्दी तुहानू भी नहीं मिलनी, जे इत्थे सेवा करोगे तां परिवार च गद्दी आऊ। आखो सतनाम। छे महीने तां बाबा श्री चंद्र जी दे स्थान ते परिवार समेत छेवें पातशाह ने सेवा निभाई, बाबा गुरदित्ता जी ने सेवा निभाई। तां करके बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र जिहड़े सतवें पातशाह सी ना हर राय जी, ये बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र सी। धीरमल भी बाबा गुरदित्ता जी दा सपुत्र सी। धीरमल थोड़ी जी ईरखा करदा सी, जदों जलंधर युद्ध होया ते उस वेले बीड़ भी रख ली, कहिंदा मैं नहीं जाना छेवें पातशाह दे नाल, ते बाबा गुरदित्ता जी नाल चले गए सी। कीरतपुर साहब नगर वसाया सी, ओ ईरखा च ही रह गया धीरमल, ते गुरमुख प्यारे बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र हर राय साहब जी नूं फिर गुरता गद्दी मिली। भाव छेवें पातशाह ने अपने पोतरे नूं गद्दी दित्ती सी। ये है भाई सेवा, सेवा करांगे तां बरकतां पैंदियां। गुरु नानक दे घर दा तां असूल ही ये है भाई, जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां नूं मान मिलदा है। जिन सेवे आ तिन पाया मान, 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 जेड़ा भी गुरु नानक दे दर घर नाल जुड़िया है
ये गल सुन लियो, गुरु घर दे विच कोई हक हुक नहीं हुंदा। कई कहिंदे ना साडा हक बनदा देना ही पैना है, ये दावा तो फिर गुरु परिवार भी कर सकते सी। इत्थे कोई हक नहीं, इत्थे तो जे निम्रता रखोगे शरदा रखोगे तो सब कुछ ले लोगे, नहीं तो फिर खाली है कम आखो सतना श्री वाहे गुरु। सो सुनो, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बाठ नगर रहे, बाबा गुरदित्ता जी बाबा श्री चंद्र जी ने भेटा करते। उदू बाद श्री चंद्र उदासी महात्मा की गद्दी बाबा गुरदित्ता जी ने मिली। हुण सुनो बाणी का सत्कार, उतों चल के महाराज जिहड़ी गुरदासपुर की संगत सी ना, वह छेवें पातशाह नूं बड़ा प्यार करती सी, सत्कार नाल महाराज नूं बेनती की। तो गुरु महाराज हरगोबिंदपुरे नगर चले गए। अज देखो तुसीं भी आए हो, घरां दे विच भी सहज पाठ अखंड पाठ साहब करवाने हो, बाणी पढ़न वाले शरदा नाल पढ़न, सुनन वाले शरदा नाल सुनन, इत्थे मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी, गुरु नानक महाराज अपनी जगह दिंदे आ। आखो सतना श्री वाहे गुरु। आपां नहीं करदे गुरु घर दे ग्रंथी सिंघां दा सत्कार, होवे कोई सूझवान सत्कार योग, ते कोई ये नहीं भी उहदा निरादर करूगा। गुरु चाहीदा भी ये है, पाठी सिंघां दा इशनान कराईदा है, चंगे बस्त्र देईदे है, माया अरदास कराईदी है, फतेह बुलाईदा गुरु का वजीर कह के करना चाहीदा। ते हुण कई बारी हैरानी हुंदी है जदों सुणीदा ना भी कोई ग्रंथी सिंह बनन नूं तैयार नहीं, उहदे दो तीन कारण मैनू दिसे। पहली गल तां सानू भी गुरु ते भरोसा ही नहीं, गुरमुख होवे सेवक ते माण कादा इत्थे, गुरमुख कहिंदे जी साडा सत्कार नहीं करदे। ते दूजी गल भाई थानू भी बेनती है, ग्रंथी सिंघां दा सत्कार करिया करो। जे थानू ये है भी साडे घरां च मोटरसाइकल होण, गड्डियां होण, साडे बच्चे पढ़न लिखण, चंगा घर बार होवे, रहिश वधिया होवे, रिश्तेदार आके की कहणगे, ते ग्रंथियां दे किहड़ा रिश्तेदार नहीं हैगे गुरु, इन्हां नूं भी तां सुख सहूलतां चाहीदियां ना। सो बणदियां सहूलतां आपां सत्कार वजों दईए, फिर आपे ही इधर नूं तुरनगे गुरु। ते इत्थे तां हुण देखो प्रोग्राम हुंदा है, किन्ने दिनां दे तुसीं प्रचार करन लगे होवोंगे तां संगत आई है। तो जे इत्थे कोई बीबा जी लगी होवे कहण दी लोड़ ही नहीं, इदों भी वध कट हो जांदा गुरु। इह कलयुग दे प्रभाव हेठ ना आया करो, जे जिंदगी दा लाहा खटना है, चाहुंदे हो साडी कदर पै जे, सत्कार हो जाए, तां इक तां धर्म ही बनो, दूजियां दा सत्कार करो, तो सेवा सिमरन वधाओ भाई, फिर वेख्यो जय जयकार हुंदी। आ हुण सुनियो छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरदासपुर जिले दे विच गए हरगोबिंदपुरे नगर गुरमुख, ते उत्थे जाके बहुत संगत दर्शनां नूं आई, दीवान सजिया होया, रागी सिंघां ने कीर्तन कीता, ढाडी बारां गाईआं गाईआं, कठ बहुत, ते गुरु हरगोबिंद साहब हथ बन के ना खड़े हो गए, गल चाहे पल्ला पाया होया। बाबा बुढ़ा जी कहिंदे महाराज गल च पल्ला पा के हथ बन के खड़े होना, यह तो साडा कम है सिखा सेवकां दा, तुसीं एदां उठ खड़े की गल। छेवें पातशाह कहिंदे बाबा बुढ़ा जी तुसीं जदों हथ बन के खड़े हुंदे हो, गल पल्ला पाउंदे हो, की करदे हुंदे हो? कहिंदे जी असीं तां कुछ मंगणा हुंदा। गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे अज मैं भी कुछ मंगना है। आखो सतना श्री वाहे गुरु। कहिंदे महाराज थानू की लोड़ है? छेवें पातशाह कहिंदे जंग युद्ध बहुत कर ले, रोह बड़ा बढ़ गया, पर अज मेरी एक बेनती है कि संगत विचों कोई सिख उठे सानू शुद्ध जपजी साहब का पाठ सुनावे। कहिंदे मेरा जी करदा अज सुनना है, मैं बह के शुद्ध पाठ सुनावे। तो बाबा बुढ़ा जी कहिंदे फिर महाराज मिलू की? छेवें पातशाह कहिंदे जेड़ा शुद्ध जपजी साहब का पाठ सुनाऊ, जो मूहो मंगू असी ओही दे देंगे। आखो सतना वाहे गुरु। आ है बाणी का सत्कार गुरमुखो, जदों घर च भी बह के पाठ करते हो ना,
ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ 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 ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਠਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਭੈ ਨਾਲ ਸੀ ਪਾਠ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਲੰਘ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਪ, ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
बाणी का ना है जप जी साहब शब्द है जेड़ा ये तो सत्कार नाल लाया जाता है। जप का पाठ शुरू किया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इतों शुरू किया है। पढ़ते गए पहली पौड़ी पढ़ी दूजी पढ़ी तीजी पौड़ी पढ़ी पंज पौड़ियाँ पढ़ गए बड़े प्यार नाल जदों पहुँचे ना तीर्थ तप दया दत्त दान ते छेवें पातशाह मन च सोचते है कहिंदे सिख बड़ा प्यार नाल बाणी पढ़ता है हुण देईए तां इहनूं की देईए ते उत्थे गुरमुख प्यारे हो महाराज सोचण लग गए कहिंदे जे इहनूं इंद्रपुरी दिंदे आ वह भी ठीक नहीं ब्रह्मपुरी देईए तां भी ठीक नहीं क्योंकि बाणी च लिखे है इंद्रपुरी मह सर पर मरना ब्रह्मपुरी निहचल नहीं रहना शिवपुरी होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला। ये जिन्हां ने पुरियां वसाइया इंद्र तां आप कलंकी है ब्रह्मपुरी भी सदा नहीं रहनी शिवपुरी का भी काल आना है खत्म होनी है ये तो तिने आप माया भी उलझे रहे देइए तो की देइए। महाराज सोच सोच के फैसला कर रहे हैं उधरों भाई गोपाला बाणी पढ़दा पढ़दा पहुँच गया पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे है दरगह मान ते महाराज सोचते हैं कहते होवे ना ते आपां इनू अज गुरु नानक दी गद्दी होई दे दिए आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। ये भी याद रखियो गुरु नानक दी जेड़ी गद्दी है ना ये जिथे तू सिर झुकाया गुरु महाराज नू आके ये जुगो जुग अटल रहनी है। गुरु कुछ अवतार समय समय ते आए सत्कार योग सब ने पर हुण कलयुग दे समय विच ये जुगो जुग अटल है। गुरु लाहा ले लियो किते एवें ना भुलेखे च रह जियो। छेवें पातशाह कहिंदे गुरु नानक दी गद्दी दे देंगे जिस थान ते महाराज बैठे सी थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू करता सराने वलियों पैंदा वल नू होई जांदे आ गुरमुख अगे पलंग हुंदे पैंदा हुंदियां सराणा हुण तां तुहानूं पता इहो जिहा कुछ आ गया पैंद सराणा है ही नहीं कोई। गुरु सत्कार करियो अगे सियाने बजुर्ग ना जे मंजे ते बैठा हुंदा कोई उदू छोटा आ जाता तो सराने वाली नहीं सी बहिंदा पैंदा वाले पासे बहिंदा सी ये वड्डियां दा सत्कार सी हुण उह गल्लां रहियां ही नहीं असी सत्कार भी भुल गए। गुरु ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज पलंग तो पैदा वल नू जाई जांदे आ जदों नू 30-35 पौड़ियां पढ़िया गई धर्म खंड का इहो धर्म इथों तक पहुंचिया भाई गोपाला मन च सोचता कहिंदा जपजी साहब तो नेड़े आ गया जदों नू मैं सलोक पढ़ूँ गुरु महाराज ने पुछना भी दस की चाहिए कई बार मौके पर उड़दी नहीं सोचता लईए भी मंगीए की आप देखो महाराज गुरतागद्दी देण नू तैयार है अपनी सोच लग गया मन च सोचता है कहिंदा जे मैं महाराज तो मंगिया ना मैं घोड़ा मंगूंगा कहिंदा घोड़ा क्योंकि छेवें पातशाह वेले एक सिख होया भाई सुभागा गुरमुख उन्हें अरबी पंज घोड़े वधिया नसल दे गुरु महाराज नू भेटा कीते सी ते गुरु महाराज ने एक घोड़ा तां बहादुर बाबा विधि चंदन जी नू देता सी एक घोड़ा बाबा गुरदित्ता जी नू देता सी एक घोड़ा पहिदे खां नू देता सी दो घोड़े हजे खड़े सी ते भाई गोपाला कहिंदा जे महाराज ने कहा ना भी कुछ मंग ते मैं सतगुर तो घोड़ा मंगू कहिंदा ये उधर सोचण लग गया ते पाठ भुल गया गुरमुख यही मार सानू पई है। बाणी पढ़न वेले गुरमुख प्यारे ओ ख्याल किते होर ही हुंदा है तां ही गलतियां हुंदियां ते महाराज की कहिंदे आ भला तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्ने है पाई है कहिंदे तेरा तन है जिथे उथे मन भी अर्पण कर धन भी अर्पण कर
वड्डी गल गुरु महाराज का हुक्म मन, हुक्म जिन्हां ने मन्या ना गुरमुखों। बाबा विधि चंद जी का मैं जिक्र किया ना, एक बारी लाहौर गए दुशाले लैन, घेरा पै गया, बलदे हुए भट्ठ च वड़ गए सी, अग बहुत तेज बलदी सी, ते इधर छेवें पातशाह डरौली भाई की आए हुए सी, ते सिखां नूं कहिंदे लियाओ घड़े पानी दे डोल भर भर के मेरे उत्ते पाई चलो। बड़ा सोहना चोला पाया, सन कपड़े पिंडे ते पानी पुआई गए, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सिखां ने पूछ लिया सी, कहिंदे महाराज की गल, हर कोई वस्त्र उतार के इशनान करदा, तुसी सने कपड़े उत्ते पानी पुआई जाने हो। ते छेवें पातशाह पता की कहिंदे सी उत्थे, कहिंदे साडा सिख विधि चंद बलदी होई भट्ठी च बह गया, साडा ध्यान धर के हुण सेक ओनू नहीं लगदा, ये मैनू लगदा, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा, साडा सिख अग्नी दे विच बह गया, ओदा सेक सानू लगदा। ध्यान दी गल, जिहदा ध्यान गुरु महाराज वल है प्यारिओ, जिहड़ा सिख ते दुख आऊ वह गुरु पातशाह झलदे आ, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। असल विच साडा ध्यान ही नहीं हुंदा प्यारिओ। साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा ऋषि राम जी महाराज आए ने, संत जी उन्होंने जी आया नू आखदे आ, जदों भी मिलते हैं बड़ा प्यार करते हैं। अज इन्हां करके आप संगतां दे दर्शन करन दा समा सानू प्राप्त होया है। असी श्रीमान संत बाबा ऋषि राम जी महाराज जैतो वाले उन्होंने जी आया नू आखदे हाँ। सो आओ ख्याल करना गल कर रहे असा ध्यान दी। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गोपाला जी, गुरु महाराज सोचते हैं इनू गुरु नानक की गद्दी दे दिए, तो उस वेले भाई गोपाला जी सोचते है कहिंदे मैं जे गुरु महाराज ने कहा ना कुछ मंग, सच्चे पातशाह तो एक घोड़ा मंगना है, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु महाराज आसन तो उतरते उतरते रुक गए, गुरु चलो पाठ हो गया, पढ़िया गया श्लोक, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेला सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़ै के दूर, समाप्ति होगी गुरमुखों। ते उस वेले धन गुरु गोबिंद वाहिगुरु छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गल च पला पाया, आसन तो हेठा उतर के भाई गोपाले मूहरे हाथ खड़े करके ऐदा हाथ बन के खड़े हो गए, ते महाराज दे नेत्रां चो नीर चल पिया, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कहिंदे भाई गोपाले जिवें शुरू कीता सी, जे किते अंत तक उसे तरह सेवा निभा दिंदे, अज मैं तैनू कहना सी गोपाला मेरा गुरु है। बोले पर करां की, कहिंदे असी तां तैनू गुरु नानक दी गद्दी दा मालक बनाउणा चाहुंदे सी,
पाठ तां कीता शुद्ध, पर एक गलती हो गई, चम ने चम दी हुई खिच कीती है। घोड़ा भी एक चमी है, साडा शरीर भी चमदा। कहिंदे चम नू चम दी हुई खिच पै गई, संसार मुख रख लिया, निरंकार वालों ध्यान हटाता। भाई गोपाले, जे किते एक मन एक चित होके सारा जपजी साहब पढ़ दिंदा, अज तेरे वाली जगह ते मैं होना सी, मेरी वाली जगह ते तैं होना सी, पर तेरा ध्यान भटक गया। लियाओ भाई सिखो घोड़ा लियाओ, कहिंदे इन्हें मन च घोड़ा ही सोचिया। महाराज ने घोड़ा दिता, समेत काठी दिता, बहुत माया दिती, वचन भी करते तू जीवन मुक्त, तेरा नाम रहेगा संसार च, तेरी याद रहेगी। अज आपां भी याद कीता देखो, पर वह गल नहीं बनी। जेड़ा सत्कार छेवें पातशाह दा होया, वह भाई गोपाला जी दा नहीं। आखो सतनाम। लो बाबा जी वल्लों हुक्म भी आ गया भी समाप्ति कर दईए हुण आपां, क्योंकि समय की भी कदर जरूरी है। समा उस नूं कदे नहीं माफ करदा जिहड़ा समय की कदर पछाणदा नहीं। रब उस नूं कदे ना करे उच्चा जिहड़ा आप उच्चा होना जाणदा। ते जे चाहुंदे हो तां गुरु वाले बण जाओ भाई, गुरु सोच समझ के धारण करिया करो। ये ना होवे कच्चे पीले गुरु बना लो ते बाद च बदलना पै जाए गुरु। सोच समझ के गुरु बना लो, ते जे गुरु धारण कर लिया फिर सियाने कहिंदे आ गुर गूंगे गुर बावरे, रहीए गुरां के दास, जे गुर भेजे नरक नूं तां भी तकीए सुरग दी आस। असानू फल लगदे है, सो आपां भी भाई शरदा भावना नाल बाणी पढ़िया करो। ये ना होवे भाई गोपाला जी दा जिवें इतिहास सांझा कीता है, कोई भी कम है शुरू जदों करदे उदों बड़ा चाह हुंदा गुरु नूं, ते बाद च फिर डांगा खड़कदियां भी फलाना ऐ कर गया फलाना ऐ कर गया। जे किते अंत समों में चाह नाल सेवा निभजे फिर गुरु महाराज के घरों बिना मंगी दातां मिल जांदियां। सो यह है गुरु का इतिहास। अपने बच्चों नूं वध तो वध बाणी नाल जोड़ो। आ जिहड़े समागम कीते जांदे इन्हां दा भी कारण यही है गुरमुख, तां कि संगत बहाने नाल गुरु घर नाल जुड़ जाए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो लो इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो मेरे वल्लों, विचार करदे आ सेवा निभाउंदे आ, इह कीता नहीं जा रहा, मालक सेवा अपने तो लै रहे आ गुरु। नहीं किहड़ा कीर्तन किहड़ी कथा अपने च हिम्मत नहीं कुछ करन दी, इह तां ज्यों बुलाव है त्यों बोल है स्वामी। ये मालक की कृपा गुरमुखो। गुरु नानक देव महाराज भी यही कह गए, कहिंदे जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। अज हैरानी हुंदी है जदों कही दा मैं कथा कीती, मैं खंड पाठ कराया, मैं नितनेम कीता, जेड़े लिखण वाले बाणी वो तो यह कह गए भी तेरा कीता जातो नाहीं मैनो योग कीतो ही। कहिंदे मालका मैनू योग करता तू, तेरे कीते नू मैं नहीं जान सकता, ते आपां कहदा मन कर दिया गुरु। इस करके भाई नीवियां रुखां नू फल लगदे आ, निम्रता नाल ही इस दर तों आपां लाहा खटणा है। सो श्री चंद्र जी महाराज जी का पावन इतिहास आपां सांझा कीता, सतगुर ने सेवा लई। उधरों भाई गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के जीवन विचों कुछ विचारां होईयां आप जी ने प्रवान कर लईयां, साडे वल्लों विचारां करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शिश करनी। सब धर्म सत्कारयोग ने, रल मिल के रहा करो, एक दूजे का सत्कार करो। साडा वड्डा धर्म है इंसानियत गुरु, इहनू बचाउण वास्ते जिन्ना भी उपराला हो सके वध तो वध करना है। अपनियां बच्चियां नू पढ़ाओ, धियां तो नफरत नहीं करनी गुरु, मुंडियां नू भी पढ़ाओ, कुड़ियां नू भी पढ़ाओ, ते खास करके केसदाड़ियां दा सत्कार जरूर करो। गुरु घर की बाणी पढ़िया करो, वध तो वध संसारक जिहड़े धंधे ने वो भी सच्चाई ते इमानदारी नाल करो, सोहणे घर बनाओ, ते अपने जिहड़े मन दे विचार है भाई वह भी चंगे रखो, क्योंकि जिहे जिहा बंदे दा ख्याल हुंदा उहो जिहे कर्म हुंदे रहिंदे है। सो साडे वल्लों हुण होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा मंगी जा रही है, माफ़ी बख्शनी। सलोक पढ़ के मैं फतेह बुला के आप जी तो माफ़ी मंगनी है। बाकी का प्रोग्राम सत्कारयोग बाबा जी का जिवें हुक्म होया वह दसणगे, क्योंकि पहला अरदास बेनती हुक्मनामा साहब हो चुके ने। सलोक विच सारी संगत जरूर बोलियो, राजनीतिक धार्मिक शख्सियतां बाहरों अंदरों जां नगर की संगत जिन्हें भी आए हो सब का धन्यवाद। सो इतों के जेडे भी प्रबंधक ने, बाबा जी ने कहा से भी
सारी सत्कार योग ने नाम असी किसी का नहीं लेना, सब की सेवा मालक प्रवान करे, लंगर बनाने वालों की, लंगर बरताने वालों की, टेंट लाए जा जो भी सेवावान हो, कोई माया कोई अन्न कोई वस्त्र लेके आया, सतगुर दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की सारू बख्शन, सब के भंडारे भरे रहन, योजे खुशियां भरे दिहाड़े वार वार आप मिलते रहन, यही बेनती है मालक के चरणों में। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कार मान जो दसा पासी के आत्मिक स्वरूप जागती जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अते पासियां दी पावन ते पवित्र निकी गुर दे अंदर विराजमान बाबा जसविंदर सिंह जी, संत बाबा ऋषि राम जी जलाल वाले, तथा गुरु रूप गुरु की साजी दिन वाजी सत्संग जीओ, अपने प्रोग्राम की समाप्ति है, सतगुरुओं के पावन पवित्र प्रसाद बताए जाएंगे, सरबते ही संगत ने प्रेम के नाल प्रसाद लेने हैं, उपरंत गुरु के लंगर चल रहे हैं, सरबते ही संगत ने लंगर पानी छक के जाना, प्रसाद लैन के समय भी जल्दी नहीं करनी, कई बार आप काली करते हैं बेअवधि हिंदी पूरी अपने हस्पताल पहुँच के अखा का चेकअप करा सकते हो, दवाई भी ले सकते हो, ये ऑपरेशन की लोड़ पड़ी है।